क्या कार में सैनिटाइजर रखना खतरनाक है? क्या कार में सैनिटाइजर रखने से आग लग सकती है? क्या कार में रखी सैनिटाइज की बोतल में विस्फोट हो जाता है? क्या एक सैनिटाइजर पूरी कार को जलाकर राख कर सकता है? क्या गर्मी में आग पकड़ लेता है सैनिटाइजर? कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग भरपूर एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50 लाख को पार कर चुका है। ऐसे में लोग घरों से बाहर निकलते वक्त कोरोना वायरस से बचने की हर उपाय कर रहे हैं। लॉकडाउन में लोग मास्क पहन रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर कोई अपने साथ सैनिटाइजर की बोतल लेकर चल रहा है। लोग अपनी कारों में भी सैनिटाइजर की बोतल रख रहे हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिका के विनकंसिन में फायर डिपार्टमेंट ने एक क्षतिग्रस्त कार की फोटो शेयर करते हुए बताया कि ये नुकसान कार के अंदर रखे सैनिटाइजर की बोतल में हुए विस्फोट से हुआ है। पोस्ट में ये भी कहा गया है कि अधिकतर सैनिटाइजर अल्कोहल से बने होते हैं, ये अधिक ज्वलनशील होते हैं। तेज गर्मी में खड़ी कार के अंदर सैनिटाइजर की बोतल से विस्फोट की संभावना रहती है। हालांकि बाद में इस पोस्ट को हटा दिया गया था, लेकिन जब तक इस पोस्ट को हटाया जाता है तब तक तो दुनिया भर में सोशल मीडिया पर आग लग चुकी थी। तो क्या वाकई इस वायरल खबर में कोई सच्चाई है? क्या वाकई धूप में खड़ी कार में रखी सैनिटाइजर की बोतल में विस्फोट हो सकता है? क्या सैनिटाइजर की बोतल से पूरी कार जलकर खाक हो सकती है? लॉकडाउन के बीच देश में और विदेश में कारों के जलने के कई मामले आए हैं, जब खड़ी खड़ी कारों के अंदर भी आग लग गई। दिल्ली में भी एक कार जलकर खाक हो गई, उसका रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाया है। लेकिन हमें इस खबर ने झकझोर दिया कि कार में रखी सैनिटाइज की बोतल में विस्फोट हो सकता है। हमने इस खबर की सच्चाई जानने के लिए इसका वायरल टेस्ट किया, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वाकई ऐसा है तो लोगों तक खबर की सच्चाई पहुंचे। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कम से कम कितने तापमान में खुले वातावरण में किसी चीज में अपने आप आग लग सकती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सैनिटाइजर में एथिल अल्कोहल होता है, जिसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 360 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बहुत ज्यादा है। इतने तापमान पर टिन लेड कैडमियम भी पिघल सकते हैं। अलग अलग ब्रांड के सैनिटाइजर में अमूमन 60-80% अल्कोहल होता है। अब अगर आपने कार को धूप में खड़ा भी कर दिया और कार इतनी गर्म हो गई कि उस पर आप अंडे की आमलेट बना लें, फिर भी ये तापमान 360 डिग्री सेल्सियस से काफी दूर है। ऐसे में ये कह पाना कि कार में रखी सैनिटाइजर की बोतल में अपने आप विस्फोट हो गया, ये उचित नहीं लगता। हमने इसके बारे में कई एक्सपर्ट से भी बात की, उन्होंने जो बताया वो आप भी सुनिए। सैनिटाइजर की बोतल गाड़ी में रखी हो अपने आप कभी नहीं फट सकती, क्योंकि इसका जो स्वतः आग लगने का जो टेम्परेचर है वो 350 डिग्री के आसपास होता है। हालांकि ये मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि किस तरह का मिक्सचर बनाते हैं, ये वेरी भी करता है, 350 के ऊपर भी जा सकता है। तो कम से कम 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर इसका होगा तभी ये फटेगा। हालांकि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर प्रकृति में ज्वलनशील होता है और गर्मी के संपर्क में आने पर कमरे के तापमान में आसानी से वाष्पित हो सकता है, और यही सबसे घातक है। अगर कार में सैनिटाइजर रखा है और उसका ढक्कन सही से नहीं लगा है तो ये हवा में फैल सकता है और कार एक गैस चेंबर बन सकती है और उससे कार में आग लगने का खतरा हो सकता है। लिक्विड इसमें इथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर है, उसका वेपराइजेशन करीब 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुरू हो जाता है, मतलब वो वेपर बनाना शुरू कर देता है और ये वेपर्स एयर के साथ मिलके एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है। तो जब इस मिक्सचर को एक इग्निशन सोर्स मिलता है, चाहे आग से, मतलब माचिस जो आप लगाते हैं सिगरेट पीने के लिए उससे मिल जाए, सिगरेट से मिल जाए, या इग्निशन स्विच जैसे आप ऑन करते हैं कार का,
अगर उसको इग्निशन स्विच का कहीं से भी इग्निशन सोर्स मिल गया तो ये आग पकड़ सकता है। सरल शब्दों में समझना चाहें तो सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल में सिर्फ धूप की वजह से अपने आप आग नहीं लग सकती, लेकिन ये बात भी सही है कि सैनिटाइजर का अल्कोहल बहुत थोड़ी सी गर्मी में भी भाप में बदल जाता है, जो कि बहुत ज्वलनशील है और ज़रा सी चिंगारी से भी इसमें आग लग सकती है। इसलिए सैनिटाइजर की बोतल को ठीक से बंद रखना ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि आप इसे ठंडी और हवादार जगह में रखें। ऐसे में एक्सपर्ट कई तरह की सलाह दे रहे हैं। अगर आप रसोई में खाना बना रहे हों तो सैनिटाइजर का उपयोग करना सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं होता। आजकल गर्मी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, हेल्थ एक्सपर्ट भी लोगों को कार में हैंड सैनिटाइजर नहीं रखने की सलाह दे रहे हैं। आप इस बात का ख्याल रखें कि सैनिटाइजर के ढक्कन को सील रखें और किसी भी गर्म क्षेत्र से दूर रखें। इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से भी दूर रखें। तो इस तरह वायरल टेस्ट में सैनिटाइजर की बोतल फटने की खबर फेल हुई। लेकिन कार में सैनिटाइजर रखने से पहले काफी एहतियात बरतें और धूप में खड़ी हुई कार में सैनिटाइजर ना ही रखें तो बेहतर है।